हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन मेडिकेशन हब। हाय फ्रेंड्स, तो आज का अपना मेडिसिनल फॉर्मूला है कैम्फर, क्लोरोथाइमोल, यूकेलिप्टल, मेंथोल एंड टर्पेनॉइल कैप्सूल। ये कैप्सूल आपने जनरली सभी मेडिकल स्टोर पे अभी देखे होंगे। आजकल ये कैप्सूल बहुत ज्यादा चलन में है कि ठंड में जब नाक बंद हो जाता है बच्चों का, तो इसको काट के कपड़े पे जब हम लगाते हैं तो बहुत जल्दी ही बच्चों को सांस लेने में जो दिक्कत आ रही होती है नाक बंद होने की वजह से, वो ख़त्म हो जाती है। और बड़े लोग भी इसको गर्म पानी में डाल के इसकी भाप लेते हैं। ये सब आपने देखा होगा, आप भी इसका यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब इसके कंपनी की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो कैप्सूल है टर्पेनॉइल कैप्सूल, वो है सिनारेस्ट, जिसको हम इस टाइप के जो कैप्सूल होते हैं इनको हम वेपो कैप भी बोलते हैं, यानी कि वेपराइजेशन में भाप लेने में काम आते हैं। तो सिनारेस्ट ही सबसे जाना माना ब्रांड है, नाम आपने सुना ही होगा। तो सिनारेस्ट जो है वेपो कैप, इसको मार्केटिंग करती है कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो है सेंट्योर फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इसकी मैं पहले प्राइस की आपको बात कर देता हूँ। तो ये प्राइस है इसका 86 रुपीज़ का 10 कैप्सूल्स, यानी कि 8 रुपये 60 पैसे का एक कैप्सूल आपको पड़ता है। हाँ, इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ रहा है कैम्फर, कैम्फर यानी कपूर, नेक्स्ट क्लोरोथाइमोल, यूकेलिप्टल, मेंथोल एंड टर्पेनॉइल कैप्सूल। मैं आपको इन सभी इंग्रेडिएंट के यूज़ बताता हूँ। कैम्फर और यूकेलिप्टल जो है ये नाक को खोलने के काम आता है, जो बंद नाक होती है उसको खोलने के काम आता है। अब क्लोरोथाइमोल और टर्पेनॉइल की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के होते हैं। ये जिस कारण से नाक बंद है उस कारण को ख़त्म करेंगे, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ऐसा होता है तो उसको ख़त्म करेंगे। थर्ड, मेंथोल जो है, मेंथोल आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको क्लीन करता है, साथ में नाक में जो कंजेशन होता है, जो लिक्विड म्यूकस भरा होता है, उसको भी ये सुखाने का काम करता है। अगर म्यूकस सूख जाएगा तो अपना नाक आसानी से खुल जाएगा और आपको सांस लेने में जो तकलीफ आ रही है वो तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इसका रिजल्ट इतना क्विक है कि आप 10-15 मिनट्स के अंदर ही इसको आप रिजल्ट इसका देख सकते हो। देखो, अब इसकी पैकेजिंग बात कर लेते हैं हम पहले। तो पैकेजिंग नॉर्मल है और जनरली आपको इस टाइप की कैप्सूल ग्रीन कलर में मिलेंगे, पर एकमात्र सिनारेस्ट ऐसा है जो ब्रांडेड कंपनी है और ये येलो कलर में आपको इसकी पैकेजिंग दिखेगी। नॉर्मल जिलेटिन पैकेजिंग है और 86 रुपीज़ का 10 कैप्सूल आपको ये मिलेगा। अब आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक और ग्रीन कलर की कैप्सूल्स भी है, तो सेम कंटेंट है इसके अंदर भी। ये भी ट्रस्टेड ब्रांड का है, सिप्ला कंपनी का, और वो था सेंट्योर कंपनी का। तो ब्रांड तो दोनों ही ट्रस्टेड है बिल्कुल और ब्रांडेड चीजें हैं। इसका नाम जैसे कि हम बात करें इजी ब्रीथ इनहेलेंट कैप्सूल, इसके अंदर भी वही इंग्रेडिएंट थे जो सिनारेस्ट वेपो कैप के अंदर थे, जैसे कि कैम्फर, क्लोरोथाइमोल, यूकेलिप्टल, मेंथोल एंड टर्पेनॉइल इनहेलेशन कैप्सूल। पर इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 10 कैप्सूल जो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 67 रुपीज़ 50 पैसे के हैं। आपको दिख रहा होगा लगभग 20 रुपये का फर्क है दोनों ही स्ट्रिप्स के अंदर। अब आप सोचोगे कि इतना स्ट्रिप में फर्क कैसे आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। ये सिप्ला जो है, सिप्ला का जेनरिक सेगमेंट है। जेनरिक सेगमेंट क्या होता है और इथिकल सेगमेंट क्या होता है, इसके लिए मैं बाद में कभी एक आपको वीडियो में समझाऊंगा। पर इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जेनरिक सेगमेंट जो होता है इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है और इस पर आपको हाई डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इस सिनारेस्ट की मैं बात कर रहा था, तो इस सिनारेस्ट का थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा है और ये इथिकल है, इथिकल सेगमेंट से आया है। इथिकल सेगमेंट में आपको डिस्काउंट भी बिल्कुल भी नहीं मिलता है और इसका थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा। कुल मिला के जो नज़ल कंजेशन होता है उसको क्योर करने के काम आता है। जनरली किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको किसी भी टाइप का कैप्सूल अगर मिले तो लगभग सभी चीज़ें सेम है, थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है और प्राइस में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। ये इस टाइप के कैप्सूल 3 रुपये से स्टार्ट होकर 12 रुपये तक भी आपको मिलेंगे। सो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ले रहे हैं, पर जनरली अगर देखा जाए तो 5-6 रुपये के आसपास अगर आप कैप्सूल ले रहे हो वो अच्छी क्वालिटी आपका आपको मिल ही जाएगा। तो मैं यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़ों पे इसको लगा दीजिए और उनको ब्लैंकेट से ढक दीजिए, तो वो अंदर ये रिलीज़ करेगा गैस को और नज़ल कंजेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। और
बड़ों के लिए मैं बात करूं तो गर्म पानी में इस कैप्सूल को हम डाल के इसका वेपराइजेशन हम ले सकते हैं, इसको इनहेल हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। सो जनरली आप अपने घर में इसको रखिए, कभी भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।